Hello, you all, my lovely students. A very warm welcome to you all on this amazing platform of DoubtNut. I am your English educator, Pooja Sharma, and today we are going to learn about the adventure. येस द एडवेंचर वी हैव इन आर लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्राम द एडवेंचर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर तो ये जो चैप्टर है यह आपकी बुक हॉन बिल का चैप्टर नंबर फिफ्थ है और इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर वेन वी टॉक अबाउट एडवेंचर तो हमें याद आती है कुछ ट्रैक्स या हमें याद आती है कोई ट्रिप्स जिसमें हम एडवेंचर करते हैं बट दिस इज नॉट अबाउट दैट दिस इज अ चैप्टर विच इज़ बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन सो साइंस फिक्शन की जैसी स्टोरीज आपने बहुत सारी देखी होती है मूवीज देखी होती हैं वैसे ही ये चैप्टर है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा आ, दो जो साइंस पिक्चर के चैप्टर्स होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा इवन इन इन मूवीज एज वेल वी आर ऑलवेज अ डिल्यूजन दैट व्हाट वाज एक्चुअली द है ना तो इसमें ऐसा फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दो आई हेल्प यू आउट एज आई कैन एंड वी आर गोइंग टू नाउ नो अबाउट ऑथर सो वेन वी टॉक अबाउट ऑथर ऑथर का नाम है जयंत नार्लेक्कर सो मिस्टर जयंत नार्लिकर ही वॉज बॉर्न इन कोल्हापुर इन इंडिया कप नाइनटीन थर्टी में ओके okay? यहाँ पे देखिएगा ही हैज रिटन मैनी नॉवल्स सिंस साइंस फिक्शन एंड मैनी मोर शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी इंग्लिश एंड मराठी तो ये मराठी लैंग्वेज में भी लिखा करते थे जयंत नार्लिककर की बात करते हैं तो और मेजरली इनका वर्क ही क्या पार्ट था साइंस फिक्शन का पार्ट था जब हम बात करते हैं इसके अंदर कैरेक्टर्स में तो सबसे मेन कैरेक्टर जो है जिसके सराउंड में ही पूरा पूरा स्टोरी घूमता है वो स्टोरी है हमारा इट लुक्स

Uh, रियालिटी okay? different, different he was. He was, he he तो ये यहां पर हमने सारी चीजें जहां पर ब्रिटिश कभी आए ही नहीं थे तो हैज नेवर बीन there. वो ही टाइम को इमेजिन कर लेते हैं और फिर वो टाइम ट्रैवल करते हैं और वहां पे एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो देखते हैं स्टोरी में ना ये जयंत नारेकर के बारे में पढ़ते हैं जो एडवेंचर uh, <coughs> द एडवेंचर उन्होंने लिखा है इन अ वेरी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग फॉर्म ही हैज गिवन द स्टूडेंट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस हिस्ट्री भी है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड व्हेन इंडिया एंड ऑटोमैटिकली बिकॉज वी आर टॉक अबाउट टाइम ट्रेवलिंग साइंस का पार्ट भी हो जाता है इन दिस देर इज अ मेन कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है प्रोफेसर गायतुंडे है वो सम्भाव क्या करते हैं टाइम ट्रैवल करते हैं इन द पास्ट पास्ट में चले जाते हैं अपॉन गोइंग इन द पास्ट एंड वेन ही वेंट टू द पास्ट तो पास्ट में जाके उनको

इंडिया कंपनी के ओके हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज ई आई ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे उनके वो देखते हैं विद मेनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिटिशर्स एज वेल और बहुत ही सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ब्रिटिशर्स की सिमिलरली वो बिल्डिंग्स ऑफ मेनली ब्रिटिश ब्रांड्स एंड ब्रिटिश बैंक एज वेल तो वो वहां पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं नोटिस करते हैं ओके वेन वी रीड अबाउट दिस ऑल दीज वी गेट टू नो कि यहाँ पे जो ये है परफेक्ट ब्लेंड किसका हिस्ट्री और साइंस का है ओके okay? तो जो प्रोफेसर है वो ट्रैवल करते हैं टाइम से पास्ट में चले जाते हैं राइट right? और वहां पे वो देखते हैं कि किस तरीके से कैसी कैसी चीजें जो है वो चेंजेस हो चुकी हैं वहां पे लेट्स मूव अड नाउ इनफैक्ट इनफेक्ट सन वर्क प्लेस उनके जो बद, उनका जो लड़का है उनका वर्क प्लेस क्या था फॉब्स था वो वहाँ वो वो भी देखते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर वो फॉब्स तो है ही नहीं

इंडिया कभी भी उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया ही नहीं था आफ्टर दैट ही विजिटेड द आजाद मैदान तो यहां पे आपको ये वाला इवेंट uh, जो है वो याद रखना है सम इवेंट्स लाइक कहां कहां गए थे फर्स्टली वो क्या देखते हैं कोचेज में क्या रीड करते हैं वहां पे उन्होंने स्टेशन पे किसे देखा था एंग्लो इंडियंस गिविंग देयर सर्विसेज फिर वो फॉर्ब्स के बारे में बात करते हैं एंड देन के बारे में बात करने के बाद में ही वेंट टू लाइब्रेरी लाइब्रेरी में वो किसके बारे में पढ़ते हैं रेड अबाउट दी बैटल ऑफ पानीपत एंड देन ही वेंट टू आजाद मैदान तो इस तरीके से आपको ना पूरा सीक्वेंस में लर्न हो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह कि एक ही बार बार में हो जाए क्योंकि मैंने भी बहुत बार जब पढ़ाया उसके बाद में में आपको सीक्वेंस में तक, 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 तक करके बता सकती हूं। so what you do is, कि आपने ये सारी चीजें किसी के साथ चैप्टर ओके नाउ आई एल यू ओके मैं आपको बताता हूं या yeah, चैप्टर तो फ्लो चार्ट बनाने से भी तुम्हें बहुत इजी रह जाएगा डोंट राइट सो मच इन दैट फ्लो चार्ट में बस आप नेम लिखिए दिस दिस नो आजाद मैदान पे क्या होता है ही गोट इन टू फाइट वो किसी से झगड़ा हो जाता है उनका ऑडियंस एंड वॉज थ्रोन ऑफ द स्टेज और आजाद मैदान में वो वहां पे स्पीच देने के लिए जाते हैं और स्पीच में वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से जो ऑडियंस है उन्हें धक्के मार के स्टेज से बाहर निकाल देती है आफ्टर बींग थ्रोन ऑफ ही ले डाउन देयर अनकॉन्शियस और क्योंकि अब बहुत अब जो भीड़ है आ, हम बोलते हैं ना कि मॉब किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मॉब किलिंग में क्या होता है एक्चुअली मॉब किलिंग में भीड़ जो होती है वो इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है एंड वो दे लॉस देर कंट्रोल और वहाँ पर उस पर्सन को इतना मार देती है कि वो मतलब खत्म हो जाता है तो हालांकि यहाँ पे उन, उनको इतना नहीं पीटा गया था बट ही वॉज अनकॉन्शियस वो फेंट हो चुके थे अनकॉन्शियस थे देन

पांडे के पास पे जाते हैं तो मिस्टर देश पांडे उनको बताते हैं कि वर्ल्ड नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने ये चीज बताई द रियलिटी मे हैव और डायमेंशन बहुत सारे होते हैं हम मैनिफेस्ट करते हैं कि भगवान मेरे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला देना भगवान मम्मा मुझे नया ये दिला दे मम्मा मेरे को बाहर घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ भेज ये सारी क्या मैनिफेस्टेशन है ओके okay? सो फिजिस्ट बिलीव जो फिजिस्ट है वो बिलीव क्या करते हैं देट देर आर मेनी वर्ल्ड अब आगे ये बता दिया है हमने यहाँ पे कि फिजिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड है एग्जिस्टिंग अदर देन वंस वी सी थ्रू आर सेंसेस कि वो जो वर्ल्ड जो हम अपने सेंसेस से देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड है ये फिजिक्स समझते हैं और वो उनको रीड भी करते हैं उन्होंने बहुत सारी स्टडी भी किया है इसके ऊपर इसी के साथ साथ में वो एक्सप्लेन करते हैं कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे देश पांडे प्रोफेसर देश पांडे ही ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर गायड

Thing, जो हमने रीड किया है वो सब उनके दिमाग में ही था इसके अलावा कुछ नहीं था सो दिस होगी सारी, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है okay, so, कि जो टाइम ट्रेवल की बात की गई है ये पूरा का पूरा जो इवेंट्स है इन सारी चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा तभी आपना ये सारी चीजों को लर्न कर पाएंगे बाय हार्ट ओके सो इफ आई से तो इवनिंग में क्या होता है इवनिंग में एक स्ट्रॉल जो है वो हिट कर देती है ट्रक जो है वो इनको हिट कर देती है एंड एट दैट टाइम ही वाज़ थिंकिंग ऑफ द थ्योरी कौन सी थ्योरी थी वो वो थ्योरी थी और उसकी इंप्लीकेशन किसकी थी फॉर हिस्ट्री एंड दैट्स वाई दैट इंसिडेंट यहां पे जो बताया ना कि एक एक्सीडेंट हो गया था वो एक्सीडेंट क्या था कि इनका ट्रक से टकराना हो गया था एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट वो कोमा में चले गए थे और जब वो उस इंसीडेंट uh, के बारे में पढ़ रहे थे क्योंकि उनको स्पीच देने जाना था और स्पीच देने जाने के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें वो पढ़ रहे थे अबाउट दिस पार्ट एंड दैट्स वाई जब वो कोमा में गए तब भी उनके दिमाग में यही सारी चीजें थी और वो टाइम ट्रैवल

पूरा जो भी नॉलेज uh, है वो मैंने यहां पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको शेयर कर दिया है अब इट्स योर टर्न टू शेयर विद योर फ्रेंड्स नाउ मूविंग अहेड आई विल आस्क यू सम एंड क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन पहला क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज

ओके okay. सो so जब हम बात करते हैं राजेंद्र बताते हैं प्रोफेसर गायतुंडे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अबाउटिक्योरी आगे आंसर और कौन सी वो थ्योरी थी द बैटल ऑफ पानीपत एज वेल प्रोफेसर गायतुंडे ने अग्री किया था ही वॉज थिंकिंग कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से उस वक्त वो थिंक कर रहे थे सोच रहे थे एंड एंड ही ही बिकेम केम बिफोर द ट्रक और वो ट्रक के सामने आ गए थे देन राजेंद्र रिमार्क दैट हिज थॉट्स माइ ट्रिगर हिज और उनके थॉट्स ने उनके जो हैं उनको ट्रिगर कर दिया था विच कुड ट्रांसपोर्ट

बहुशा बेची बाखर यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि वो चुपके से क्या करते हैं एक पेपर स्लिप डाल देते हैं लाइब्रेरी में से चोरी सब करते हो ना तुम लोग कुछ अच्छा लगता है तो पेपर्स फाड़ करके तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोफेसर ने भी किया था एंड दैट्स वट इज इन द आंसर दैट ही वॉज रीडिंग इन द लाइब्रेरी इन बॉम्बे और यही बताता है कि दैट ही एक्चुअली हैड रियली एक्सपीरियंसड दिस डिफरेंट रियालिटी बिकॉज उनके पॉकेट में से वो निकलता है

ओके okay, तो यहाँ पे हमने ये सारा का सारा पार्ट कर लिया है दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड बट यू हैव टू गो इन डिटेल फॉर दिस चैप्टर फॉर दैट यू रियली शुड नो कि कैसे साइंस फिक्शन वर्क करती है है ना और कन्फ्यूज नहीं होना है जस्ट सिंपली रिलाय कि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनका आंसर किस वे में देना है यू राइट योर आंसर्स बाय योर ओन ऑन दिस नोट आई जस्ट वॉन्ट योर स्माइल्स इन दिस कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल लेट यू नो मोर अच्छा आप जाने से पहले जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए है आपको आई टेल well. यू दैट एज वेल तड़ाज बाय एंड थैंक यू